नमस्कार दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत ही कम चला हुआ गाड़ी है, हुंडई ग्रैंड i10। प्रॉब्लम बहुत सारा, मल्टीपल प्रॉब्लम है। दूर से ही दिखाओ ताकि सब पता चल जाएगा। मल्टीपल प्रॉब्लम है गाड़ी में। गाड़ी सिर्फ 3000 किलोमीटर रन किया हुआ है, बट हाँ, गाड़ी थोड़ा सा पुराना है। पुराना मीन्स 5 साल से ज़्यादा हो गया है। अब इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, वन बाई वन देखिए। पहले सबसे पहले जो प्रॉब्लम है गाड़ी कस्टमर के पास, और ये प्रॉब्लम दिखाने के बाद, इसकी सोल्यूशन दिखाने के बाद आपको एक कहानी छोटा सा सुनाएंगे, तो इजीली समझ पाएंगे कि क्यों ऐसा हुआ है। पहले तो देखिए, ये गाड़ी का जो सबसे पहले हेडलाइट दिखा दो, हेडलाइट दूर दूर से हेडलाइट दिखा दो। मैंने हेडलाइट जलाया तो देखिए, हेडलाइट वन साइड जल रहा है और ये वाला साइड जो है ये जल नहीं रहा है, उधर का सही जल रहा है। अगर अपर डिपर करते तब भी नहीं जल रहा है, और हैजार्ड दिखाते हैं दूर से, हैजार्ड लाइट सामने जल नहीं रहा है, लेकिन इधर मिरर देखिए और पीछे का वो जल रहा है। ये हो गया दो प्रॉब्लम। अब फिर मैं ऑफ कर दिया, रिमोट काम कर रहा है, रिमोट से अगर करते लॉक अनलॉक, लॉक हो गया, अनलॉक हो गया, तो रिमोट काम कर रहा है, लेकिन गाड़ी का जो रूफ लैंप है, अब देखिए चाबी बाहर है, इस कंडीशन में अगर आप रूफ लैंप को ऑन करते, रूफ लैंप ऑन नहीं होता है, ठीक है। अब इसी रूफ लैंप को मैं अगर चाबी घूम, इसमें देख के इग्निशन ऑन कर दिया, चाबी घुमा के इग्निशन ऑन हुआ। अब इस कंडीशन में देखिए, रूफ लैंप ऑटोमेटिक जल गया। अगर मैं इग्निशन को फिर ऑफ कर देता हूँ, रूफ लैंप ऑफ हो जाता है। फिर ऑन किया, मतलब ऑन कंडीशन में ये काम कर रहा है। और भी है कि चाबी मैंने निकाल के बाहर कर दिया, डिक्की थोड़ा दिखा देते, इधर घुमाऊं डिक्की। अभी मैंने गाड़ी को लॉक कर दिया, जैसा रिमोट से हो रहा है लॉक। डिक्की अगर खोलने जाते, ये अनलॉक किया मैंने, अनलॉक कंडीशन में भी डिक्की काम नहीं कर रहा है। मतलब वन बाई वन कितना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, डिक्की नहीं खुला है, लेकिन दूर में ही तुम खड़ा रहो। अगर मैं सिर्फ ये इग्निशन ऑन कर दिया, इग्निशन ऑन कंडीशन में डिक्की खोल रहा है, फिर इग्निशन ऑफ कर देते, सिर्फ चाबी बाहर करेंगे, सिर्फ चाबी बाहर है, लॉक अनलॉक कुछ नहीं है, दरवाजा खुल रहा है, नहीं खुल रहा है। तो यही डिक्की स्विच जब इग्निशन ऑन कर रहा है काम कर रहा है, ऑफ कर रहा है तो काम नहीं कर रहा है। नजदीक लेके आओ, और नॉर्मली ये जो यहाँ पे स्विच है पावर विंडो का, ये पावर विंडो, ये स्विच लॉक अनलॉक काम करना चाहिए। अगर आपका गाड़ी में ये चाबी नहीं भी लगा हुआ है तो उस कंडीशन में भी ये स्विच काम करता है, जो कि नहीं हो रहा है। अब अगर मैं इग्निशन ऑन कर दिया, अब देखिए ये कैमरा इधर उधर हो गया पूरा, ठीक है, ये काम हो रहा है। अगर उधर से वाला दिखेंगे, बट अगर हम इग्निशन को ऑफ कर दिया, अभी ऑन है इग्निशन, जैसे मैंने ऑफ किया, अब देखिए ये काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इतना सारा प्रॉब्लम है, और ना जाने इसके वजह से मतलब क्या क्या प्रॉब्लम और हुआ है। अच्छा, और एक क्लस्टर में भी, अगर आप पार्किंग जो स्विच है, एक हेडलाइट की स्विच को अगर एक पॉइंट घुमाएंगे तो पार्किंग स्विच ऑन होता है। तो मैंने हेडलाइट को एक पॉइंट घुमाया तो यहाँ पे एक लैंप आना चाहिए कि मेरा पार्किंग ऑन हुआ कि नहीं, जो कि बाहर ऑन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ये इंडिकेशन नहीं दे रहा है कि पार्किंग लैंप ऑन हुआ। जैसे हेड लैंप दिया, यहाँ पे कुछ इंडिकेशन नहीं है, सिर्फ डिपर किया तो इंडिकेशन है। और फॉक लैंप जो है, फॉक लैंप का भी, यहाँ पे अगर हम फॉक लैंप देते, ये ऑन किया मैंने, यहाँ पे देखिए कुछ इंडिकेशन नहीं है। तो अभी जैसे कि देखा कि गाड़ी में बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ क्रिएट हुआ है, और जब भी इस तरह से होता है कि बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ आता है तो काम और इजी हो जाता है। एक आध प्रॉब्लम आने से मतलब आपको सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम एक साथ गाड़ी में हुआ है तो दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर हो सकता है कि कोई मॉड्यूल खराब है, या कोई जॉइंट कनेक्टर में डिस्टर्बेंस है,
या फिर कोई ऐसा फ्यूज़ है जो फ्यूज़ से सारे जगह पे पावर जाता है, वो फ्यूज़ ब्लोन हो गया। और मैक्सिमम गाड़ी में यही होता है, इस गाड़ी में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसके पीछे कहानी ज़रूर है क्यों ऐसा हुआ है मैं आपको बताऊँगा। तो ये डायरेक्टली आपको प्रॉब्लम दिखाते हैं कि कौन सा फ्यूज़ ऐसा है जो कि इतना सारा सब कुछ को कंट्रोल करता है। अभी ये जो फ्यूज़ बॉक्स है इसको कैसे मतलब चेक करना है, इसके ऊपर मेरा वीडियो है कि कौन सा फ्यूज़ किसके काम में आता है, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कौन सा फ्यूज़ कैसे चेक करना है नंबर वाइज। तो पहले तो देखिए ये जो प्रॉब्लम हुआ है गाड़ी में, ये जो बैटरी का फ्यूज़ है, वैसे गाड़ी स्टार्ट विस्टार्ट सब कुछ हो रहा है, बट ये जो बैटरी का तीनों फ्यूज़ है, तीनों ही बैटरी का है लेकिन तीनों अलग अलग काम करता है। और इस गाड़ी में जो हुआ है सिर्फ एक, ये जो 50 एम्पेयर का बैटरी का फ्यूज़ है, 50 एम्पेयर, 40 एम्पेयर, 50 एम्पेयर, देखिए तीन फ्यूज़ अलग अलग है, लेकिन ये जो 50 एम्पेयर का फ्यूज़ है जो कि मेरा ये वाला फ्यूज़ है, इस फ्यूज़ ये फ्यूज़ ब्लोन होने के कारण, अच्छा फ्यूज़ है, अच्छा फ्यूज़ अभी मैं इसको चेक करके दिखा सकता हूँ, लेकिन ये फ्यूज़ ख़राब है। सिर्फ ये मैंने फ्यूज़ नया लगा दिया और पुराना फ्यूज़ वहाँ पर छोड़ दिया। अब इधर का ऑलरेडी हेडलाइट जल गया है, हेडलाइट जल रहा है, आपा डिपर हो रहा है, हैजार्ड जल रहा है, सब ओके। मैं फिर गाड़ी इग्निशन ऑफ किया, हैजार्ड ऑफ किया, अच्छा डिक्की दिखा देते, चाबी बाहर है, खुल रहा है, सब जो प्रॉब्लम था मतलब सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, ये फ्यूज़ का प्रॉब्लम था। अब आप डायरेक्टली गाड़ी का जो प्रॉब्लम हुआ है इसके पीछे की कहानी सुनिए। गाड़ी बहुत ही कम चला है, लेकिन गाड़ी क्योंकि कम चलता है इसमें रास्ट आ गया है, गाड़ी क्योंकि कम चलता है तो जितना भी सारा इंजन में मेटल पार्ट है उसमें सारा रास्ट आ गया, बैटरी का नीचे का जो ट्रे है उसका जो बोल्ट है सब में रास्ट लगा हुआ है। तो हुआ क्या है, कस्टमर का गाड़ी शायद घर में था, अब अचानक कस्टमर ने देखा कि जो हेडलाइट है वो हेडलाइट ऑन हो गया, गाड़ी लॉक है, चाबी घर पे, बट फिर भी कस्टमर ने शायद देखा होगा कि गाड़ी का जो हेडलाइट है वो जल रहा है, जैसे कि देखिए ये अभी जल रहा है, उधर का ठीक है, चाबी बाहर ही है अभी भी जल रहा है। इसी प्रॉब्लम के लिए किसी को बुलाए और बुलाने के बाद उन्होंने, भाई साहब ने आके क्या किया, डायरेक्टली वही फ्यूज़ उनको अच्छा लगा तो उसी फ्यूज़ को खोल दिए, और खोलने के बाद अच्छा है कि एटलीस्ट गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन गाड़ी में इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। और ये कहानी सुनने से मतलब इजीली डायग्नोस हो जाता है कि कोई आके फ्यूज़ खोला है, लेकिन अगर पता नहीं रहेगा, सपोज़ ये पीछे की कहानी मुझे पता नहीं रहता तो ना जाने मुझे कितना इधर उधर का हाथ मारना पड़ता। बस दोस्तों ये छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन है कि अगर कभी भी गाड़ी में मल्टीपल प्रॉब्लम एक साथ हो जाए तो एक बार कम से कम गाड़ी का जो फ्यूज़ है उसको ज़रूर चेक कर लीजिए। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।